इंडियन मार्केट की अगर बात करें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल मार्केट में हमने कल के दिन थोड़ी सी डिप देखी या फिर ये कहें प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में हल्का सा पड़ा। गैप के साथ हम ओपन हुए थे यानी गैप डाउन में, उसके बाद रिकवरी शानदार आई। तो ऐसे में जस्ट अपोजिट हो रहा है एज ऑफ नाउ। जो पिछले 3 महीनों में हमने ग्लोबल मार्केट के साथ इंडियन मार्केट का कोरिलेशन देखा, उससे उल्टा क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पार्ट में मार्केट समरी। यहाँ आप देखिए जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सभी लाल निशान में आज के दिन बंद तो हुए हैं। फिर चाहे हम सेंसेक्स की बात करें, 61,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। अगर हम बात करें लाल निशान में क्या है, सेंसेक्स फ्लैट हुआ है 0.02, जिसे आप फ्लैट कहेंगे। निफ्टी की बात करें 0.01, ये भी फ्लैट में हुआ है। बैंक निफ्टी में हल्के से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि अच्छा इसमें एक अपमूव आया था। वहीं अगर बात करें मिड कैप, सभी आपको फ्लैट नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जो 3 महीने की बात करें, जब ग्लोबल मार्केट अगर हम बात करें उस वक्त टूट रहे थे 0.5%, तो इंडियन मार्केट टूट रहे थे 1 से 1.5%। अभी क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट 1 से 1.5% टूट रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट 0.5% टूट रहा है। ये डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो कुल मिला के कम्प्लीट तेज़ी का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में डिप्स पे स्टॉक्स जो भी आपको मिले, फिर चाहे हम इंडेक्स की बात करें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी यूज़ होती है, लेकिन हल्के से स्टॉप लॉस के साथ जिन लेवल के आसपास अभी है। प्री बजट रैली देखने को मिल रही है, ये आप जानते हैं। सेंस अगर हम बात करें निफ्टी एज ऑफ नाउ जो हमें दिखाई पड़ रहा है 274 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। क्लोजिंग मिली हमें 18,255 के आसपास, अभी भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, इसे आप वीक नहीं कहेंगे। बाकी ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हो फुटसे फ्लैट है। डेक्स की अगर बात करें ये भी 0.5% से ऊपर तेज गिरा हुआ है। कैक में भी हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर बात करें ब्रेथ आज के दिन मार्केट कि अच्छी थी। अगर हम बात करें कंपेयर पिछले 2-3 दिनों में, ऐसा क्यों, मार्केट आज के दिन लाल निशान में बंद हुआ है, लेकिन इससे पहले 2-3 दिनों में हरे निशान में बंद हो रहा था। उसके बाद भी ब्रेथ वैसी नहीं थी, आज के दिन थी। अगर हम बात करें स्मॉल कैप में, मिड कैप के स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आज के दिन थी, प्लस उन स्टॉक्स में जो प्रीमियम पे चलते हैं उनमें भी आज के दिन हमने तेज़ी देखी है। तो यहाँ पर ब्रेथ अच्छी थी, ये आप देख सकते हो। 1100 से ऊपर शेयर एडवांस में, डिक्लाइन की बात करें 749। बाकी एग्जैक्टली चीप पिक्चर आपके सामने क्लियर यहाँ हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ देख लें, आईटी रहा ग्रीन में आज के दिन। एंड आईटी में भी बात करें, रिजल्ट हमें कैसे लग रहे हैं वो अलग बात है, मार्केट को वो नंबर कैसे लगे वो अलग बात है। ऐसा ही कुछ हुआ था कल के दिन, विप्रो 6% टूटा, और आज के दिन माइंडट्रिक के साथ रिजल्ट माइंडट्रिक के अच्छे थे। उसके बाद भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बैठ पाया, एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो एक प्रॉफिट बुकिंग हमको उसमें देखने को मिली। यही कल हमारी बात हो रही थी कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, रिजल्ट अच्छे आने के बाद भाग गया वो भाग गया, लेकिन एक दफ़ा अगर बुक कर ली जाए तो यही स्ट्रेटजी एज ऑफ नाउ के मार्केट में सही रहेगी, या फिर हर बार जब भी रिजल्ट आएगा। बाकी सारे इंडेक्स आप देख सकते हो, सेक्टर देख सकते हो, सभी लाल निशान में हल्के हल्के बंद हुए, कोई बहुत बड़ा क्रैक नहीं है, ये आप देख सकते हो। मेटल की बात करें, कल के दिन अच्छा भागा था, 3.5% की तेजी थी, हल्की सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ओवरऑल ब्रेथ जो स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन था आज के दिन भरपूर था। बात करें टॉप गेनर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बड़े दिन लंबे टाइम से बात करें इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, पहला दिन है ये, या फिर ये कहें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक इसमें आज देखने को मिला है। TCS के रिजल्ट अच्छे थे, वापस से अप ट्रेंड में आ चुका है आज के दिन। IOC एंड इन्फोसिस, यानी इन दोनों के रिजल्ट आए थे कल के दिन TCS एंड इन्फोसिस के, और वापस से इन्होंने अपनी जो जर्नी है कंटिन्यू कर दी है अप ट्रेंड की। बात करते हैं टॉप लूजर, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, HUL एंड UPL, ये रहे आज के टॉप लूजर आपके सामने। बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, कल के दिन था 16.70, आज के दिन है 16.55 के आसपास, काफ़ी कंफर्टेबल है, उतने टेंशन के बाद बिल्कुल भी है नहीं इस लिहाज से। IPO कोई ऐसा अपडेट है नहीं, तो चलते नेक्स्ट पार्ट की ओर जिसका नाम है स्टॉक्स फॉर टुमारो। टाटा केमिकल की बात करें, 4 दिन हो चुके हैं 10% का रिटर्न इसने दे दिया है, आप जानते हैं हर एक दिन, पहले दिन 4, फिर 2, और आज के दिन वापस से मॉर्निंग में एक पल के लिए 3% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे। उसके बाद अब उन लेवल के आसपास आ गया जहां पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, 10% रिटर्न 4 डे इनफ है। उसके बाद भी जो इसने हाई लगाया था 1050 के आसपास का है, एंड जो क्लोज हुआ है हल्का नीचे हुआ है। तो ऐसे में इसने तो अपना काम कर दिया है, टाटा केमिकल रेगुलर बेसिस पर हमने डिस्कस किया है। बात करें क्रिसिल परसों डिस्कस हुआ था, कल थोड़ा शांत रहा, लेकिन आज के दिन वापस से शुरुआत हो चुकी है इसके 1.30, बहुत पोटेंशियल इसमें यहाँ से दिखता है, इसलिए फोकस पे आपके डेफिनेटली रहना चाहिए।
अब बात करते हैं स्टॉक्स फॉर मंडे के लिए। प्रिंस पाइप बड़े ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, ये फिर गिर गए, प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी ऊपर के लेवल से, अच्छा करेक्ट हो चुका। अभी इसने 700 को ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। अब ये शेयर आपके फोकस पे डेफिनेटली यहाँ से रहना चाहिए, अच्छा मूव दे सकता है। एक अपडेट तो आप डेली बेसिस पर आप सभी के यहाँ शेयर होता है, एक्स्ट्रा अपडेट के लिए आप लगे यूजफुल आप चाहे तो ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कई सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है एक अकाउंट ओपन करा के भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सारा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एफआईजेड डीआईएस का, अभी इनका डेटा अभी आया नहीं है जिस वक्त हमें वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए जैसे ही आएगा टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चार्ट एनालिसिस यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, निफ्टी का वन डे का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, मंडे क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन बन रही है। ये थी आज की कैंडल, गैप के साथ हम खुले थे यानी गैप डाउन खुले थे, लेकिन वापस से जो कैंडल बनी है डोजी बनी है, टॉप के आसपास बनी है लेकिन ग्रीन बनी है, यानी हर बाय पे हर डिप पे बाय हो रही है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी यूज़ हो रही है। तो ऐसे में आपको कल और टेलीग्राम पर सिर्फ दो सपोर्ट बताए थे, वो वापस से आपके लिए मंडे को दिस वीक, मंडे नहीं दिस वीक काम करने वाले, वो है पहला है जो 18,050 का लेवल और दूसरा जो रहेगा 17,950। ये दो स्ट्रांग है, बाकी 5 मिनट पे 15 मिनट पर ट्रेडिंग रेंज तो अलग हो जाती है, लेकिन इनके ऊपर आपके नज़र होना बेहद ज़रूरी हो जाती है। 15 मिनट में हुआ क्या ये आप देख सकते हो, मार्केट में गैप किस मार्केट गैप डाउन हुआ, इस कैंडल के साथ हम ओपन हुए और इस कैंडल के साथ हम क्लोज हुए, तो आप यहाँ देख सकते हो ये थी आज की रेंज, परफेक्ट रेंज जो आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो अगर हम बात कर रहे हैं, बुल्स बैठे थे बायर बैठे थे और यहाँ पर हुई प्रॉफिट बुकिंग कल के हाई के आसपास, तो ऐसे में 300 अपने आपने सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, 300 ब्रेक हुआ तो हम 400 या फिर 450 की तरफ भी जाएंगे, लेकिन जब तक ये रेंज आप याद कर लीजिए कि जो आपको दिखाई पड़े, आज तो 18,100 से ही हम घूम गए थे इस लेवल के आसपास से, तो अभी भी हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो बात करें वो 18,050 के आसपास बता रहे हैं। इन लेवल्स के ऊपर आपकी होनी चाहिए, बेहद बेहद ज़रूरी, प्लस रिजल्ट का सीजन है तो उसी हिसाब से आपको काम भी करना होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में पिछले दो दिनों के करेक्शन के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज के दिन एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी है, तो ऐसे में इसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे। जो हमारी कल बात हुई थी कि 38,000 अपने आप में सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, आज का आप लो देख सकते हैं अगर यहाँ पर, सो एक मिनट, यहाँ पर ये देख सकते हैं 38,000 का ये लेवल वहीं से बाउंस बैक किया है, तो इसलिए 38,000 अभी भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर 38 टूटता है नेक्स्ट वीक तो थोड़ा और नीचे के लेवल भी आ सकते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। नीचे के लेवल की बात करें 37,750 के लेवल 700 के आते हुए हमें दिखाई पड़ सकते हैं, ये तो रहे नीचे के लेवल पहला सपोर्ट और दूसरा 37,750 के अराउंड। ऊपर अगर हम बात करें तो अभी भी जो रीसेंट में टच हुआ था, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, ये तो लेवल हमारे 39 तो काम करेंगे, अदरवाइज 40,000 के लेवल अभी भी ओपन है, जो हम कई दिनों से बोल रहे हैं उन लेवल के ऊपर अभी भी मार्केट एक बार ट्राई कर सकता है उनको टच करने के लिए, तो इसी हिसाब से हमें काम करना होगा। इन सब के बाद अगर बात करें, रैली आई है मार्केट में, रिजल्ट आ रहे हैं, दिग्गजों के रिजल्ट भी आएंगे, जैसे कि बैंक की बात करें HDFC बैंक या फिर बाकी बैंक के, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना इस वक्त भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितने फर्स्ट हाफ इस मंथ के अच्छे रहे हैं, हो सकता है बजट के टाइम सेकेंड हाफ 10 डेज 5 डेज या फिर 2 वीक आखिर थोड़ा सा इतने अच्छे ना रहे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए अगर कोई अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे बुक करने में, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने में, स्टॉप लॉस लगाने में कोई हर्ज यहाँ से होना नहीं चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की, मार्केट को समझने की कोशिश की, प्लस स्टॉक्स डिस्कस किए कि किन में क्या करना है, फिर चाहे टाटा केमिकल की बात करें, प्रिंस पाइप की बात करें, क्रिसिल की बात करें, मथूट फाइनेंस कल डिस्कस हुआ था, लेकिन मथूट में आज के दिन ऊपर के लेवल, मतलब ये कहें जो सिग्नल है वो एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि यही बात हुई थी कल के दिन 1500 के ऊपर अगर ये टिकेगा तो हम इसमें हम पोजीशन बनाएंगे, लेकिन वो आया सपोर्ट के बाद, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आया, वहाँ से बाउंस बैक किया, एक दो दिन और देखेंगे उसके बाद इसमें कुछ डिसीजन लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।